SP hybridization and pi orbitals. लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट sp2 हाइब्रिडाइजेशन मॉड. इसमें हमने ये कहा था कि कार्बन एटम में ओवरऑल अगर एनर्जी लेवल्स देखे जाएं तो दे आर समथिंग लाइक दिस. दिस इज़ 1s2, लेट्स कॉल इट ओनली 1s. दिस इज 2s, दिस इज 2p ओवरऑल. दिस इज द एक्स ऑर्बिटल, वाई एंड जी ऑर्बिटल. इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन द एक्साइटेड स्टेट, वी सेड कि देर आर टू ऑर्बिट, टू इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन इन 1s, इन 2s, 2px, 2py एंड 2pz. ऑल ऑफ दीज ऑर्बिटल्स शेयर वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैरी वन इलेक्ट्रॉन रादर. और इसमें से हमने ये कह दिया था कि कोई भी दो p के ऑर्बिटल्स आप ले लो और एक s ले लो और इनको आपस में आप हाइब्रिडाइज करा लो. नाउ लेट्स टेक 1p ऑर्बिटल एंड 1s ऑर्बिटल एंड इंडिपेंडेंटली आप इन दोनों को हाइब्रिडाइज करवा लो. दे डेफिनेटली हैव डिफरेंट एनर्जीज. एस की एनर्जी इज लोअर, एनर्जी लेवल्स अगर मैं ड्रॉ करूँ, एस इज समवेयर हीयर एंड 2p इज हीयर एंड 1s इज समवेयर हीयर, ठीक है. 1s के अंदर देर आर टू इलेक्ट्रॉन्स रिजाइडिंग, देन 1 in 2s एंड 1 in 2px और 2py और 2pz, इनमें से कोई भी आप ले सकते हो. नाउ दीज टू ऑर्बिटल्स वंस कंबाइंड टुगेदर दे आर गोइंग टू गिव टू इंडिपेंडेंट एंड डी जेनरेट ऑर्बिटल्स. डी जेनरेट, इससे पहले भी द वर्ड हैज़ बीन डिस्कस्ड. डी जेनरेट मीन्स हैविंग सेम एनर्जीज, इक्वल एनर्जीज के साथ, तो बिल्कुल एक जैसे दो ऑर्बिटल्स बन जाएंगे. और इनकी तो चूंकि शेप्स डिफरेंट है ना, 2px की शेप तो ये होती है इन द एक्स एक्सिस. ऑल राइट, इफ दिस इज द एक्स एक्सिस, 2px इज समथिंग लाइक दिस. एंड वट इज द शेप ऑफ 2s? 2s इज अ स्फीयर. नाउ वंस दीज टू ऑर्बिटल्स कंबाइन टुगेदर, द टू न्यू ऑर्बिटल्स वॉन्ट बी ऑफ दिस शेप, रादर दे वुड बी हैविंग शेप लाइक दिस. वन विल हैव दिस शेप एंड द अदर विल हैव दिस शेप. ऑल राइट, सो दिस इज द प्लेस जहां पे एक इलेक्ट्रॉन रिजाइड करेगा एंड दिस इज द प्लेस जहां पे एक और इलेक्ट्रॉन रिजाइड करेगा. ऑल राइट, इट मेक्स सेंस बिकॉज टोटल देवर टू इलेक्ट्रॉन्स विच आर टू बी अकोमोडेटेड इन दीज टू न्यू ऑर्बिटल्स. सो दिस इज एस पी ऑर्बिटल एंड दिस इज अनदर एस पी ऑर्बिटल एंड दिस फिगर इज एग्जैक्टली प्लेनर. फर्स्ट ऑफ ऑल एक पूरे पेज के अंदर ये पेज के ऊपर ड्रॉ हुआ हुआ है, इट्स अ प्लेनर स्ट्रक्चर. एंड सेकेंडली इट्स अ लीनियर स्ट्रक्चर, इट्स इन अ स्ट्रेट लाइन. वी से के जब भी एस पी हाइब्रिडाइजेशन होती है तो लीनियर स्ट्रक्चर बनता है विद द एंगल ऑफ द लाइन इज डेफिनेटली 120 डिग्रीज. इफ आई टेक दिस एज द सेंटर, सो दिस एंगल इज 180 डिग्रीज एट द टॉप एंड एट द बॉटम. ऑल राइट, नाउ व्हेन टू कार्बन एटम्स कम क्लोजर टू ईच अदर हैविंग अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, एज आई सेड बिफोर, दिस इज, ये इनके अंदर वाली लोब्स हो गई, दिस इज sp and this is another sp. Similarly, you have another carbon atom like this and you put it close to this. Now in the line joining these two carbon atoms, this is the line, the bonding which will take place is sp sp overlap. Yahan pe ho raha hai, we call it an overlap. अवॉइड कॉलिंग इट एन ऑर्बिटल, मैं इसको पहले ऑर्बिटल बोल रहा था इन द लास्ट लेक्चर, इट्स बेटर टू कॉल इट एन ओवरलैप. इट्स एन एस पी एस पी ओवरलैप एंड इट वुड डेफिनेटली बी अ सिग्मा बॉन्ड बिकॉज ये इन दोनों की लाइन जो जुड़ रही है वो आपस में बॉन्डिंग हो गई है. सिमिलरली ऑन द अदर टू लोब्स या एंड्स देर वुड बी टू स्फीयर्स ऑफ 1s हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन, दिस इज अनदर 1s ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अ सिग्मा बॉन्ड. So this is an SSP overlap, this is again an SSP overlap, and at the center there was SPSP overlap. Now let's talk about those electrons जिन्होंने hybridization में participate नहीं किया था. Look at the carbon structure first. This is the 1s orbital, all right, and then this is the sp orbital. This is another sp orbital.
दो तो sp ऑर्बिटल्स बने थे ना। अच्छा डोंट गेट कन्फ्यूज कि ये s मैंने क्यों बना दिया, s तो आप सोच रहे हो ऑर्बिट हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर दिए, दिस इज एक्चुअली नॉट दैट s, दिस इज 1s। आपने देखा था 2s और 2p, आपने कोई एक जोड़ा था ना 2p का x या y या z, आपने इन दोनों का आपस में हाइब्रिडाइज करवाया था, यू डिड नॉट डिस्टर्ब द 1s ऑर्बिटल, तो 1s इज स्टिल देयर। ऑलराइट, सो आई एम ड्रॉइंग 2p, सॉरी दिस इज sp ऑर्बिटल, दिस इज अनदर sp ऑर्बिटल। नाउ वेयर इज दैट, where are those orbitals which did not participate in bonding? Definitely they are going to be perpendicular to these two. One of them is here, exactly the shape of the p, because usne bonding mein usne hybridization mein participate nahi kiya to uski shape wahi rahegi, theek hai. Now this is a planar structure mein bana chuka hu, and there is another one too which is coming out of the page and going into the page. आई होप ये मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर दूं जो आपको वाकई लगे कि ये पेज से बाहर आ रहा है और वो पेज से अंदर जा रहा है। ऑलराइट, ओके, नाउ दिस इज वन कार्बन। नाउ इफ यू सी दिस स्ट्रक्चर एंड नाउ अप्लाई द सेम थ्योरी ऑन द अपर स्ट्रक्चर, दिस इज वन पी ऑर्बिटल हियर एंड वन पी ऑर्बिटल हियर, लेट्स से दीज आर पी वाइज, 2PY of this atom and 2PY of this atom. Similarly, I need to draw 2PZs too. This is 2PZ of this atom and this is 2PZ of this atom. 2PZ and this is also 2PZ. Now, electron interaction between these perpendicular orbitals would be such that jo 2PY hai iska aur jo iska 2PY hai, they will make bonds in the parallel fashion as we have seen previously. इस तरीके से ये वाले दो आपस में और ये वाले दो आपस में इंटरेक्ट करने लग जाएंगे, ओवरऑल बाद में शेप फिर कुछ यूं बन जाती है ऑर्बिटल्स की, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज जब आप इस तरह की कोई शेप देखो, एक्चुअली ये पाई ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है, चूंकि इधर दरमियान में तो कोई खास इलेक्ट्रॉन्स की वो हो नहीं रहा ओवरलैप, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो रहा होता है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स। ओके, सो दिस इज अ कार्बन, दिस इज अनदर कार्बन, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर इज इन बिटवीन, आई एम स्पेसिफाइंग इट इन रेड। Alright, and the electron overlap would be in this region and in this region. So this is a pi bond between one 2PY and another 2PY. Similarly, there would be a pi bond between one 2PZ and another 2PZ. So overall, two carbon atoms will have a sigma bond with each other. Alright, and this is sp-sp interaction. And then there is an sp and H. चूंकि यहां पे बॉन्डेड है, सो दिस इज एन एस पी एस इंटरेक्शन, अगेन एन एस पी एस इंटरेक्शन। नाउ व्हाट अबाउट दोज टू पाई ऑर्बिटल्स जो मैंने दरमियान में बनाए हैं, दोज टू पाई ऑर्बिटल्स आर एक्चुअली दीज एक्स्ट्रा बॉन्ड्स दैट द कार्बन इज मेकिंग विद द अदर कार्बन एटम। सो दिस मीन्स व्हेनेवर देयर इज एस पी हाइब्रिडाइजेशन, जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो sp हाइब्रिडाइजेशन में चूंकि दो लोब्स बनती हैं, एक इस तरह की और एक इस तरह की, तो ये दो लोब्स तो दो बॉन्ड्स बनाएगी ना, बट कार्बन हैज टू मेक अ टोटल ऑफ फोर बॉन्ड्स, सो रेस्ट ऑफ द टू बॉन्ड्स विल बी इन पाई फैशन ओवरलैप हो रहे होंगे, पाई बॉन्ड्स बना रहे होंगे वो। ऑलराइट, एंड दोज बॉन्ड्स वुड बी वीकर इन नेचर compared to the sigma bonds. Okay, this is one of the conclusions. And the other conclusion is that whenever you have a triple bond, wherever you see a triple bond in a structure between the two same atoms, be assured that it is a single sigma bond, one sigma bond, and two pi bonds. इट्स ऑलवेज लाइक दिस, हमेशा यूं होता है कि जब भी आपको ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे नजर आ रहा है ना दो कार्बन के एटम्स के दरमियान, it's a carbon triple bonded with carbon, so it is definitely a single sigma bond and two pi bonds, there is no other possibility. All right, now I'll try to give you some extra information, a little more insight into the hybridization phenomena. So far हमने ये देखा है कि अगर आप किसी एक s orbital को लो, ठीक है, किसी भी shell के, और कोई भी आप p ले लो, px ले लो, py ले लो, pz ले लो, आपने अभी तक ये देखा, आप एक s के साथ एक p मिलाओ, एक s के साथ दो मिलाओ, एक के साथ तीनों p ये मिला दो, यू आर गोइंग टू मेक sp ऑर्बिटल्स, sp2 ऑर्बिटल्स और sp3 ऑर्बिटल्स। जितने ऑर्बिटल्स आप मिक्स करोगे आपके पास बनेंगे भी उतने ही,
ठीक है, दिस इज वॉट यू हैव सीन सो फार. बट इसके अलावा देर इज अनदर पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक एटम के अंदर एस और पीज के अलावा डी और एफ शेल भी तो होते हैं ना. एंड नाउ यू नो कि डी शेल इज फर्दर स्प्लिट इन टू 5 सब ऑर्बिटल्स बिकॉज द डी शेल कैन ओवरऑल अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस वुड बी डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड एंड सो ऑन डी एक्स वाई जेड डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर समथिंग लाइक दिस. नाउ ये जो 5 डी के ऑर्बिटल्स बनेंगे, यू कैन एक्चुअली से कि ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में भी करेंगे. सो यू कैन से देर इज एस पी डी हाइब्रिडाइजेशन, एस पी टू डी हाइब्रिडाइजेशन, एस पी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन. यू अंडरस्टैंड, दिस इज एस पी, एस पी टू एंड एस पी थ्री. देर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई एक डी भी उनके साथ मिल जाता, ठीक है. अगर दो डी मिलते हैं तो फिर मैं कहता हूं एस पी डी टू हाइब्रिडाइजेशन. यू गेट माई पॉइंट? यानी जरूरी नहीं है कि, अभी तक तो हम चूंकि कार्बन की बात कर रहे थे ना, कार्बन में तो डी ऑर्बिटल होता नहीं है, बट इन द बिगर एटम्स इन विच देर आर डी ऑर्बिटल्स टू, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा ऑर्बिटल्स भी आपस में हाइब्रिडाइज हो सकते हैं. देर इज अ पॉसिबिलिटी. ऑलराइट, सो इफ वन एस वन पी एंड वन डी ऑर्बिटल कंबाइन, देर आर गोइंग टू फॉर्म 3 एस पी डी ऑर्बिटल्स. इफ वन एस टू पीज एंड अ सिंगल डी कंबाइन, 4 एस पी टू डी ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू फॉर्म. डेफिनेटली इनकी क्या शेप होगी, इट्स नॉट इन योर कोर्स एंड यू शुड नॉट बी कंसर्न अबाउट इट, बट यू मस्ट नो कि इट इज पॉसिबल. एंड सिमिलरली इफ 1 एस 3 पीज एंड अ सिंगल डी इज गोइंग टू हाइब्रिडाइज, इट विल मेक 5 न्यू ऑर्बिटल्स बिकॉज 5 आर बींग हाइब्रिडाइज. तो 5 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे और उन पांचों की सेम एनर्जीज होंगी एंड दे वुड बी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. ऑलराइट, हियर इज अ लिटिल समरी. ये मैंने एक इंटरनेट से, एक लिटरेचर से एक फिगर लिया है. इन दिस फिगर यू कैन सी कि अगर एक एस और एक पी ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें, सो देर इज गोइंग टू बी एन एस पी ऑर्बिटल. ऑलराइट, एंड हाउ मैनी आर गोइंग टू बी फॉर्म? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू बी 2 एंड द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी लीनियर. एंड यू कैन सी ये दो वो लोब्स हैं जो कि दो आपके पास एस पी टू की बनी हैं. नाउ इफ देर इज अ सिंगल एस एंड टू पी ऑर्बिटल्स, सो एस पी टू वी कॉल इट. और इस तरह के 3 बनेंगे क्योंकि 3 ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, 3 ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया था. द स्ट्रक्चर वी हैव ऑलरेडी सीन कि देर इज गोइंग टू बी अ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर एंड दिस इज एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन, जो से प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस्ड. एंड द एंगल्स, ऑल ऑफ द एंगल्स आर गोइंग टू बी 120 डिग्रीज एंड इट्स ऑन अ सिंगल प्लेन, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है. नाउ इफ अ सिंगल पी, सिंगल एस एंड 3 पी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज विद ईच अदर, एस पी थ्री ऑर्बिटल्स जो बनेंगे हम उनको बोलेंगे. एंड देर आर गोइंग टू बी 4 एस पी थ्रीज और चारों टेट्राहीड्रल शेप में आपस में बॉन्डेड होते हैं, जो प्रीवियस प्रीफेस के अंदर हमने पढ़ा था. इट्स गोइंग टू मेक अ टेट्राहीड्रॉन. टेट्राहीड्रॉन, यू नो व्हाट इज अ टेट्राहीड्रॉन? टेट्राहीड्रॉन के कॉर्नर्स के ऊपर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम्स आके अटैच हो जाएंगे, या जो भी रिस्पेक्टिव एलिमेंट जिसके साथ आप बॉन्ड करवा रहे हो. नाउ इफ देयर इज अ सिंगल एस 3 पीस अ सिंगल डी ऑर्बिटल, एज आई सेड बिफोर देयर इज एस पी 3 डी हाइब्रिडाइजेशन एंड द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. अगेन इट्स नॉट इन योर कोर्स बट इट इज गोइंग टू बी अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिस टाइम. इट्स नॉट दैट सिंपल. यू सी अ फ्यू ऑर्बिटल्स आर एट 90 डिग्रीज एंगल एंड द अदर्स आर एट 120 डिग्रीज एंगल. Okay, if you are more interested in this, let me tell you what is this structure. Initially, तो ये trigonal structure ही है. Trigonal structure के बारे में आपने पढ़ा है कि there are 3 orbitals, 1, 2, and 3. All right, and all these 3 make an angle of 120 degrees with each other, and they are in the same plane. ठीक है, ये आप सब assume करो, ये मैंने एक सफ़े के ऊपर ये तस्वीर बनाई है. ठीक है, and all of these angles are 120 degrees. अब अगर एक सफ़े से बाहर एक और लोब आ रही हो, अब सफ़े से बाहर मैं कैसे ड्रॉ करूँ? मैं ड्राइंग इज नॉट दैट गुड. लेट्स ड्रॉ इट ब्लू. ये पेज से जनाब बाहर आ रही है एक लोब. ठीक है, तो ये जो पूरा एक पहले 3 लोब्स बनी हुई थी, ये चूंकि पेज के ऊपर थी, और ये जो इस दफ़ा मैंने लोब बनाई है चूंकि ये पेज से बाहर आ रही है, तो इन दोनों का आपस में ये वाला जो एंगल बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज, क्योंकि एक पेज था, पेज से एक चीज बाहर आ रही है,
तो ये आपस में पेज के साथ 90 डिग्रीज एंगल बनेगा। अगर मैं इसको साइड से देखूंगा तो पेज चूंकि मुझे साइड से यूं नजर आएगा और ये लोब ऊपर यूं आ रही है और दूसरी लोब नीचे यूं आ रही होगी। सो देर आर टू लोब्स एक्चुअली, एक नीचे भी है। सो नाउ दीज आर द फाइव शेप्स विच आर एग्जैक्टली डी जनरेट, ठीक है, ये पांच ऑर्बिटल्स हैं एंड वी कॉल देम एस पी थ्री डी ऑर्बिटल्स, वन एस थ्री पीस और सिंगल डी, एंड इसी वजह से इसके स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है ट्राइगोनल बाय पायरामिडल, फॉर द रीजन कि चूंकि एक सफ़े के ऊपर ये जो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर था इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल, वन टू थ्री, द थ्री लोब्स, इफ यू कंबाइन दीज थ्री पॉइंट्स ऑन द लोब्स इट मेक समथिंग लाइक अ ट्राइंगल, ओके, एंड देन देर इज अ टॉप पॉइंट ओवर हियर, इफ यू ज्वाइन इट विद दीज यू गेट अ पैरामिड, ऑलराइट, डज इट मेक सेंस टू यू? इसी तरीके से एक से जो पेज से नीचे जा रहा है ये वाला जो पॉइंट है इट वुड बी समथिंग ओवर हियर, इफ यू ज्वाइन दैट ऑल्सो विद ऑल द थ्री पॉइंट्स यू विल गेट टू पैरामिड्स, एक पैरामिड इस प्लेन के ऊपर बनेगा और दूसरा नीचे बनेगा, दैट्स वाई वी कॉल इट बाय पैरामिडल, देर आर टू पैरामिड्स, ओके, एंड द टू ट्राइगॉन्स ऑन द सिंगल प्लेन दे आर गोइंग टू मेक टू पैरामिड्स, ओके, दिस वॉज नॉट एक्चुअली इन योर कोर्स बट स्टिल इट्स इंटरेस्टिंग। सो द स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल बाय पैरामिडल एंड सिमिलरली इफ देर इज अ सिंगल एस थ्री पीज एंड टू डीज, सो टोटल छः ऑर्बिटल्स बनेंगे एंड द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी ऑक्टाहीड्रल। दिस आई एम नॉट गोइंग टू इन टू द डिटेल, दिस वुड बी टू मच फॉर यू, बट ट्राई टू लुक इन टू दीज थिंग्स, देर नॉट डिफिकल्ट, देर प्रिटी सिंपल। देर इज अ प्लेन इन विच देर आर फोर एंगल्स ईच एट 90 डिग्रीज, there is a single carbon which has 1, 2, 3 and 4 all at 90 degrees. And now this make a plane or is plane, let's say this is the plane जिसके ऊपर ये चार हैं, एक दो तीन और चार। अब एक पेज से ऊपर और एक पेज से नीचे भी जा रहा, ठीक है, एंड नाउ इफ यू ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, you will get a shape which will be octahedral in nature, octahedral geometry ki tarah banegi. That's why we were saying ki it is an octahedral shape. Alright? Now, independently, jo aaj hum logon ne piche pad chuke hue hain, to summarize that, first let us look at sp3 orbitals. This is an s orbital and px, py and pz. They all combined together, they made four new orbitals which were having the same energies and they combined together in this structure and sab ka aapas mein angle 109.5 degrees tha aur ek tetrahedral geometry ban gayi thi. Now let us look at sp2 hybridization, a single s, px, py, pz nikal gaya beech mein se aur ye teen aapas mein jude, fuse hue aur teen naye orbitals bane, teen sp2 orbitals. दे कंबाइन टुगेदर टू मेक अ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, एक सफ़े के ऊपर जिसमें आपस में तीनों का एंगल 120 डिग्रीज था, एंड देन एस पी ऑर्बिटल्स जिसमें दो बीच में से निकल गए, एक पी और एक एस आपस में जुड़े और दो इंडिपेंडेंट इस तरीके से एस पी ऑर्बिटल्स बने, और एक्चुअली ये किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे, ये इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे, इट्स अ लीनियर स्ट्रक्चर विथ टू एस पी ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड और 180 डिग्रीज इसका आपस में ओवरऑल एंगल होगा। I hope this is enough for you at this level. In the next lectures, we'll be talking about isomerism. What isomerism is, aur isomerism ki mukhtalif jo types hoti hain, hum unke bare mein detail mein baat karenge.